हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से उठे एक स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद में आज आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। दोनों ही लैपटॉप HP 14 इंच के हैं जिनका बजट सेम है और इन दोनों ही लैपटॉप्स को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि कौन सा लैपटॉप बेटर है और आज इस वीडियो में यही क्लियर करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन दोनों ही लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस एंड वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप कौन सा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन दोनों ही लैपटॉप्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे ही कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों लैपटॉप्स के अगर मैं मॉडल की बात करूं तो एक है HP का 14S FQ1089AU जो आता है Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ में, वहीं HP का 14S DQ2606TU जो आता है Intel i3 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ में। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू मैंने पहले ही कर दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां चेकआउट कर लेना। और इन दोनों ही लैपटॉप्स के बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, सब कुछ आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे इनकी परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस और डिस्प्ले की क्वालिटी। सबसे पहले इन दोनों ही लैपटॉप्स की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो फ्रेंड्स, दोनों ही लैपटॉप्स में आपको 14 इंच की 1080p IPS ब्राइट व्यू डिस्प्ले दी हुई है जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स है और कलर गैमट 45% NTSC मिल जाता है। तो वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूं आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो क्वालिटी देख पा रहे हो और मुझे तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो इंटेल i3 11 जनरेशन वाले वेरिएंट में यार क्वालिटी का ये कह सकता हूं कि अराउंड 5% बेटर लग रही है और राइजन वाले वेरिएंट में ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा क्यों लग रही है। अब दोनों में ही सेम पैनल दिया हुआ है लेकिन जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इन दोनों लैपटॉप्स की परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। वीडियो रेंडर करके देखते हैं दोनों लैपटॉप्स में से बेटर परफॉर्मेंस कौन से लैपटॉप में मिलती है। तो मैंने उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो एड किया है तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। 1 2 3 और यहां मैं राजा से कहना चाहता हूं कौन सा विनर होगा, राइजन। और फ्रेंड्स, यहां राजा ने बोला है राइजन विनर होगा लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इंटेल वाला विनर होगा। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इंटेल का CPU रन कर रहा है 100% और राइजन का कर रहा है 93 98। ओहो, अभी तो क्या है दोनों ही बराबर पे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो रेंडर हो चुका है और इंटेल वाले वेरिएंट में टाइम लगा था 1 मिनट 52 सेकंड और राइजन वाले वेरिएंट में टाइम लगा है 2 मिनट 6 सेकंड। तो यहाँ ओनली 15 सेकंड का फर्क है। वैसे अगर ओवरऑल अगर मैं विनर की बात करूँ तो इंटेल विनर हुआ है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही लैपटॉप्स की बूटिंग स्पीड पे टेस्ट करते हैं HP वर्सेज HP। देखते हैं दोनों ही लैपटॉप्स में से पहले बूट कौन सा होता है। तो मैं लैपटॉप को ऑन करने जा रहा हूँ। 1 2 3 और देखते हैं कौन सा लैपटॉप पहले बूट होता है। और यहाँ भी विनर है। और फ्रेंड्स, ये मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ भी इंटेल ही विनर हो रहा है, ओनली 2 सेकंड पहले बूट हुआ है। तो यार एक बार और ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से दोनों ही लैपटॉप को बूट करने जा रहा हूँ तो देखते हैं इस बार विनर कौन सा रहता है। 1 2 3 ये राजा पावर बटन को थोड़ा लेट प्रेस कर रहा है ये तो। और इस बार थोड़ा सा यार। तो फ्रेंड्स, इस बार भी विनर इंटेल ही हुआ है, 1 सेकंड का ही फर्क था। अब लेकिन फर्क तो फर्क ही होता है, कंपैरिजन है तो कंपैरिजन में जो हमें दिख रहा है वही हम आपको बताएंगे।
तो फ्रेंड्स फिलहाल लाइट जा चुकी है और लाइट देखो कभी भी कट सकती है और अभी हमें लग रही है गर्मी। और फ्रेंड्स इन दोनों ही लैपटॉप्स में गेम प्ले करके देखते हैं दोनों लैपटॉप्स में से फ्रेम रेट कौन से में बेटर मिलती है। तो HD रेजोल्यूशन पे प्ले करेंगे। वैसे गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन आपको तो पता है कि मैं हर लैपटॉप में GTA 5 गेम प्ले करता हूँ। नहीं जगह छोड़ो तो फ्रेंड्स ये था इन दोनों ही लैपटॉप्स का ओवरऑल कंपैरिजन। मैंने इन दोनों ही लैपटॉप्स में वीडियो रेंडरिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग और वैसे गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इनमें GTA 5 गेम प्ले किया था। तो फ्रेंड्स अगर मैं ओवरऑल इन दोनों ही लैपटॉप्स की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो इंटेल वाले वेरियंट में आपको 10% बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी राइजन के कंपैरिजन में। अब बहुत सारे व्यूवर्स ये भी बोलेंगे कि यार हमें तो गेम ही खेलना है, तो वहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अराउंड 5-10% आपको राइजन वाले लैपटॉप में बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर इन दोनों ही लैपटॉप्स की अगर मैं प्राइजिंग की बात करूँ तो 2,000-3,000 के आसपास आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और जो डिफरेंस है वो भी अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। जिन यूजर्स को इंटेल पे ज़्यादा ट्रस्ट है वो इंटेल के लिए जा सकते हैं और जिसको राइजन पे ट्रस्ट है वो राइजन के लिए जा सकते हैं। दोनों ही लैपटॉप्स अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो क्लास में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इंटेल वाला वेरिएंट 40,000 में मिलता है तो बिना किसी डाउट आप इसके लिए जा सकते हो। और अगर प्राइस का जो डिफरेंस है तो अगर वो है तो फिर आप जो आपकी इच्छा हो वो आप लैपटॉप बाय कर सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।